हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो पीए और एसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है एसएससी 10+2 के थ्रू, उसकी जो प्रोफाइल कैसी होती है, उसके प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे होते हैं, ट्रांसफर्स कितने होते हैं, सैलरी कितनी होती है, और ये जॉब डेस्क वर्क होती है, फील्ड वर्क होती है, और इस जॉब में पब्लिक डीलिंग होती है कि नहीं होती है, इन सारे पॉइंट्स में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ अंदर की बातें भी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो सबसे पहले आपको सर्किल मिलता है कि आपको किस सर्किल में जाके ज्वाइन करना है आपको। तो फ्रेंड्स, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वही प्रोसेस होती है, एसएससी आपका डोजर भेज देती है आपकी डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन फॉर्म आता है आपके पास। अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सबमिट करवाते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका मेडिकल करवाता है। मेडिकल में फ्रेंड्स, वो आपको एक हॉस्पिटल डिसाइड करता है, उसमें जाके आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल टेस्ट देने के बाद में 5 से 7 दिन में उसमें आपकी रिपोर्ट आ जाती है। मेडिकल जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, उसमें आपकी आई साइट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बाकी बीपी वगैरह चेक की जाती हैं, बट ये बहुत नॉर्मल होता है, इसके बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपको ऑफर लेटर मिलता है और आप जाते हैं आपकी पोस्टिंग पे, जहाँ भी आपको जो भी ऑफिस आपको अलॉट की जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, यानी कि आपका जब जॉइनिंग लेटर आएगा, तो आपको 3 तरह की ऑफिस में से किसी एक ऑफिस में पोस्टिंग मिलेगी। पहला होता है डिविजनल ऑफिस, दूसरा हेड ऑफिस, तीसरा सब ऑफिस। डिविजनल जो ऑफिस होते हैं, इसमें भी कई तरह के अलग अलग सेक्शन हैं। एक सेक्शन होता है वो MMS होता है, यानी कि मेल मोटर सर्विस, जो कि ये लाल रंग की जो गाड़ी होती है डिपार्टमेंट की, उससे रिलेटेड आपको काम करना होगा। आपको जो ड्राइवर्स की ड्यूटी वगैरह है, उससे रिलेटेड आपको फाइलिंग वर्क करना होगा। एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है, जो कि बाहर से जो पोस्ट आती हैं उन सबसे रिलेटेड आपको काम करना होगा। फ्रेंड्स, डिविजनल ऑफिस की जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो जॉब होती है ये टोटली डेस्क वर्क होती है। इसमें आपको पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, टोटल फाइल से रिलेटेड काम होता है। और ऑफिस का टाइमिंग है 9:30 से 6 का होता है, 5 डेज का ऑफिस होता है और वर्कलोड मॉडरेट टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं हेड ऑफिसेज की। हेड ऑफिसेज में फ्रेंड्स, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती, फाइल से रिलेटेड आपका काम होता है। और ये भी अगर आपको हेड ऑफिस अलॉट होता है, तो यहाँ भी आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा टोटल डेस्क वर्क होगा और ऑफिस है वो 5 डेज का होगा और ऑफिस का टाइमिंग 9:30 से 6 का रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सब ऑफिस की। हम अपने आसपास जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस देखते हैं, ये सब ऑफिस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो आपका काम है वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है और बाकी सारा, जैसे कि सेविंग बैंक और FD और बाकी सारे काम होते हैं। और यहाँ पे आपको टोटली पब्लिक डीलिंग करना पड़ेगा। जो आपका वर्क आवर रहेगा 9 से 5 का रहेगा और जो आपका ऑफिस टाइमिंग रहेगा, यानी कि आपको 6 डे वीक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 डे वीक आप काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट की। सॉर्टिंग असिस्टेंट का फ्रेंड्स मेनली जो काम होता है, जब कोई भी पोस्ट आती है तो उनको पिन कोड के हिसाब से सॉर्ट करना, इससे रिलेटेड काम होते हैं। इसके साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करवाया जा सकता है, यानी कि डेस्क वर्क यानी कि फाइल वर्क भी आपसे करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रमोशन की, कि इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहला इसमें जो प्रमोशन होता है, 3 साल के बाद में जूनियर अकाउंटेंट का प्रमोशन होता है। एक एग्जाम होती है और उससे आप प्रमोट हो जाते हैं जूनियर अकाउंटेंट में, बट आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो चॉइसो ही रहेगा, यानी कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कोई भी नहीं मिलेगा, सैलरी आपकी नहीं मिलेगी, बट आपका जो काम है वो पोस्टल असिस्टेंट से हटके अकाउंटेंट का काम आपको करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है वो 5 साल के बाद होती है, वो होती है
इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, जो कि ग्रेड पे 4600 पे है, बट अभी रिसेंटली उसे 8 साल का मिनिमम कर दिया गया है, यानी कि आपकी रेगुलर सर्विस उसमें होनी चाहिए मिनिमम 8 साल, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी रेगुलर सर्विस 8 साल की हो जाएगी तो उसी साल आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, एलिजिबल ज़रूर हो जाओगे, बट ये वैकेंसी आने पे ही कंडक्ट करवाई जाती है। एग्ज़ाम पर ईयर होती है, बट हो सकता है जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं आपके सर्किल में उस कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं आए। तो इस फ्रेंड्स टोटली डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी अराइज हो रही है उसी के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें एक और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है EO के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 9 साल। 9 साल के बाद में एग्ज़ाम का आना और वैकेंसी का आना डिपेंड करता है कि आपके सर्किल में कितनी पोस्ट वैकेंट हुई है, कितनी पोस्ट अवेलेबल है जब आपकी 9 साल कंप्लीट होती हैं। तो इसमें टाइम 9 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखने पे आपको यह नोटिस होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रमोशन एस्पेक्ट काफ़ी कम होते हैं। आप एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं 8 और 9 साल में, जो कि एक काफ़ी लंबा टाइम है। 8-9 साल के बाद में भी आपको काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और इतने टाइम फ्रेम के बाद में पढ़ाई करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स आज आप सोच रहे होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में मैं बिल्कुल नेगेटिव ही नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ भी बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपके घर के बगल में भी जॉब आपको मिल सकती है। मतलब आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस हमारे कितने पास में और कितने एरिया में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो सिर्फ यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो देश के हर कोने में जिसका ऑफिस है, और आपके आपको आपकी पोस्टिंग आपके घर के पास मिल सकती है होम टाउन में, और उसके बाद उसमें ट्रांसफर्स भी सबसे कम है। दूसरी पॉजिटिव बात फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, अगर किसी को ये चाहिए तो वो चूज कर सकता है सब ऑफिस जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र्स के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किस तरीके के होते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपको एक बार जो डिवीज़न मिल जाता है, आपका ट्रांसफ़र हर 3 ईयर में उसी डिवीज़न के अंडर में होता रहता है, आपकी सब ऑफिस मतलब चेंज होती रहती है, आपका डिवीज़न चेंज नहीं होगा। अगर आपका डिवीज़न आपको कहीं दूसरा डिवीज़न मिल गया, मतलब होम स्टेट नहीं मिला, तो आपको ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस चाहिए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेबल ट्रांसफ़र अप्लाई के लिए एप्लीकेबल हो। बट ट्रांसफ़र अगर आप दूसरे डिवीज़न में जाते हो तो जो आपकी सीनियोरिटी है वो 0 हो जाएगी, मतलब आप वापस से कैडर में सबसे नीचे जाओगे। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। इस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं ग्रेड पे 2400 के साथ, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी होगी 25,500, TPTA आपका होगा 3600 प्लस DA, और HRA मेट्रो सिटीज में होगा 24%। तो आपकी ग्रोस सैलरी आपकी बनेगी 42,000 से 45,000 के बीच में, डिपेंड आप किस सिटी में पोस्टेड हुए हो। और आपको नेट सैलरी मिलेगी डिडक्शन के बाद में 38,000 से 39,000 के बीच में। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग कैंडिडेट्स को मिसगाइड करते हैं कि SSC 10+2 में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो PA और SA में मिल रही है, आप इनको टॉप में रखिए। फ्रेंड्स आप ये भी देख लीजिए आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में तो ज़्यादा है, बट उसमें प्रमोशन एस्पेक्ट कितने हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छे हैं कि नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एज ए LDC ग्रेड पे 1900 में ज्वाइन किया था, 5 साल में आज मैं ग्रेड पे 2800 पे जॉब कर रहा हूँ, और मैंने अभी SAS का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, किसी वजह से वो मैं दे नहीं पाया। नहीं तो अगर मैं कोशिश करता तो, मतलब अगर मैंने एग्ज़ाम दी होती और मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता तो ग्रेड पे 4800 पे जा चुका होता अभी तक। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी आप एक बार ज़रूर से कंसीडर करना, क्योंकि फ्रेंड्स जिस कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया था वो मेरा एक फ्रेंड है, और उसको उसकी सर्विस को लगभग 9 साल हो गए हैं और वो अभी ग्रेड पे 2400 से ग्रेड पे 2800 पे पहुँचा है ओनली। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आपकी कोई क्वारी हो वीडियो के बारे में तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।